गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते बड़ों को, पैरी पौना छोटों को हेलो। आपके सामने पेश है आईसर 551 फाइव स्टार, जो कि कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ, कुछ एडिशनल फीचर्स कंपनी ने इसमें एडिट किए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर 2023 की नई मैन्युफैक्चरिंग के साथ है। तो इस ट्रैक्टर के हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैक्टर में स्क्वायर शेप की लॉन्ग थ्रो वाली हेलोजन टाइप बल्ब आते हैं। बीच में आईसर की काफ़ी स्टाइलिश क्रोम के साथ बैजिंग आती है। वही इस ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनट आती है और इस ट्रैक्टर में ऑयल टाइप एयर क्लीनर आता है, जो रख रखाव कम देता है और नीचे काफ़ी मोटी जाली दी जाती है और इसमें काफ़ी हैवी रेडिएटर दिया जाता है, जो ट्रैक्टर को पूर्णतः कूलिंग देता है। और इस ट्रैक्टर में रेडिएटर की जो आती है रिवर्स कूलिंग आती है, जो आपको कूलेंट टाइप देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में फ्रंट में 85 केजी का काफ़ी हैवी बम्पर देखने को मिलता है, जो आपको ट्रैक्टर को फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होने देता है। इस ट्रैक्टर के अगर फ्रंट एक्सल की बात करें तो नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आता है। वहीं इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 750/16 का काफ़ी बड़ा अगला टायर आता है। इस ट्रैक्टर की पावर स्टेयरिंग की बात की जाए तो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर में आप मैकेनिकल स्टीयरिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शनल आती है। वहीं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ साइड माउंटेड बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको 88 AH की बैटरी देखने को मिलती है इसमें। इस ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग पंप एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जो आपको दो दो फिल्टर के साथ देखने को मिलते हैं। एक फिल्टर ये देखने को मिल जाता है, ये एक हाइड्रोलिक फिल्टर आपको ये देखने को मिल जाता है। वहीं इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की स्टार्टर मोटर देखने को मिल जाती है। वहीं काफ़ी अच्छा अल्टरनेटर, जो काफ़ी सेफ्टी के साथ अल्टरनेटर आता है। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको हीट सिंक देखने को मिल जाती है साइलेंसर के ऊपर, जो काफ़ी मस्कुलर लुक देती है। और वहीं साइड में 551 फाइव स्टार की बैजिंग और उसी के ऊपर पावर स्टीयरिंग की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको साइड माउंटेड काफ़ी बड़ा प्रोफाइल मिरर देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर का अगर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, काफ़ी सपाट टाइप प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है। वहीं लेग रेस, इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल मेस्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो ले दे अच्छी पकड़ और लॉन्ग लाइफ। वहीं इस ट्रैक्टर के अगर हम लोग दूसरे साइड चलें, वहीं इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है TMTL का 3 सिलेंडर बॉस कंपनी का इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। और TMTL सीरीज का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो आपको 3300 CC प्रदान करता है और 49 HP की जबरदस्त पावर देता है अपने इंजन रेटेड RPM पे। इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल डीजल फिल्टर और सिंगल वाटर सेपरेटर आपको और डबल डीजल फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो आपको 350 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल देते हैं और रख रखाव कम देते हैं। वहीं आपको सिंगल इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिलता है। वहीं यहां आपको ऑयल लेवलर देखने को मिल जाता है, यहां से आपको बोनट ऑन ऑफ करने वाला स्विच देखने को मिल जाता है। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको 45 लीटर का काफ़ी हैवी फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच देखने को मिल जाती है। वहीं मडगार्ड फेंडर काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ देखने को मिल जाते हैं, उसी के नीचे डुअल क्लच की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। इस ट्रैक्टर में आप ड्राइवर के कंफर्ट के हिसाब से, वेट के हिसाब से एडजस्ट करने वाली सीट और आगे पीछे आपके हाइट के एडजस्ट के हिसाब से एडजस्ट करने वाली सीट देखने को मिल जाती है। वहीं यहां आपको 12 वोल्ट का चार्जर कंपनी ऑफर करती है। इस ट्रैक्टर में आपको 540 और IPTO देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 8+2 गियर के साथ देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको काफ़ी मस्कुलर स्टेयरिंग देखने को मिल जाती है, जो स्टेयरिंग नॉच के साथ आती है। इस ट्रैक्टर में आपको LED टाइप डिजिटल टाइप आपको मीटर देखने को मिल जाता है और एनालॉग टाइप भी इसमें डुअल कॉम्बो है। इस ट्रैक्टर में यहाँ AC DC लीवर देखने को मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट को ऊपर नीचे रखने की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं
यहाँ आप लिफ्ट लॉक कर सकते हैं, जो लीवर को नीचे करने पर लिफ्ट आपकी ऊपर ही रहेगी। इस ट्रैक्टर के रेयर टायर साइज की बात करें तो 14x28 का बड़ा टायर साइज देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर की अगर पीछे की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 2100 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी आती है, जो आपको ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज टॉपलिंग पॉइंट मिलते हैं, जो आपके सॉइल के हिसाब से काफी उपयोगी हैं। इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड रिफ्लेक्टर और वाटर होल्डर भी देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में के अगर अदर फीचर्स की बात करें, इस ट्रैक्टर में आपको 540 इंडिपेंडेंट पीटीओ देखने को मिलती है, जो आपको 41.7 एचपी की पीटीओ पावर देती है। इस ट्रैक्टर में जो एडिशनल फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंपनी फिटेड ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो आपको लेजर सुपर रिवर्सिबल एमवी प्लाउ चलाने के लिए उपयोगी है। ये रहा उसका नॉच, जो काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में आपको रात को कार करने के लिए बैकलाइट और वहीं उसी के नीचे 551 की बैजिंग और ब्रेक लाइट और टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। वहीं लिंक एडजस्ट करने के लिए इजी आपको जैक मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में की अगर अदर फीचर्स की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 2000 घंटे की वारंटी और 2 साल की वारंटी प्रदान करता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।